ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फ्रेंड्स अच्छा कर रहे होंगे। सो आज हम एक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपकी, फिर आपके पार्टनर की, फिर हम लव मैसेजेस देखेंगे आपके पार्टनर के साइड, और फिर फाइनली डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे आपकी राशि की। फ्रेंड्स, इस रीडिंग को एक जनरल रीडिंग की तरह लेना फॉर योर राशि। तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी चीज़ फोर्स नहीं करनी, कोई ज़बरदस्ती ये नहीं कि इसमें ऐसा आया है तो मेरी लाइफ में तो यही होगा। हो सकता है वो चीज़ें आपके साथ ना रेजोनेट हों, आपकी सिचुएशन पे ना हो, तो ज़बरदस्ती स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लें, जो चीज़ें आपको समझ आती हैं, जो चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो भी लोग इसे देख रहे हैं वो इसे अपने सन साइन, मून साइन या फिर अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। सो उसके लिए देखें। और लास्ट, जो भी लोगों ने फर्स्ट टाइम आज मेरे चैनल पे ज्वाइन किया है, आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और अगर अभी तक बाकी सब जो आते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स, वीडियोज़ को पसंद करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पर्सनल नंबर मेंशन्ड है, आप लोग चाहें तो उसके ऊपर अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे मैं ही रिप्लाई करती हूँ, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप पर पहले हेलो लिखें, सीधा आपको मेरी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। सो जल्दी से रीडिंग को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, सबसे पहले इस नो कॉन्टैक्ट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे। शुरुआत आपकी एनर्जी से करेंगे, आपकी रीडिंग निकालेंगे सबसे पहले कि आप क्या फील करते हैं, आपके क्या लाइफ में इस नो कॉन्टैक्ट में चल रहा है। सो सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है सबसे पहला, देन वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मुझे जो चीज़ पार्टनर की रीडिंग से पहले हमने आपकी एनर्जीज निकाली हैं, और आपकी एनर्जीज में मुझे ये दिख रहा है फ्रेंड्स कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अभी भी संभालना चाहते हो, अभी भी आप मेहनत करना चाहते हो, अभी आप रिकंसिलेशन करना चाहते हो। आप मुझे दिख रहा है अगले सेवन डेज जो आपका जो दिमाग है वो पूरा फोकस्ड है रिकंसिलेशन पे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या परेशानी या कुछ इस तरह की सिचुएशन आई भी है, आप चाहते हैं कि आप उसमें मेहनत करें, आप चाहते हैं कि वो जो एक बर्डनसम सिचुएशन थी और या फिर एक ऐसा आप दोनों के बीच में जो खींचातानी हुई है, लड़ाई हुई है या कोई सिचुएशन ऐसी बन गई कि जिससे ये नो कॉन्टैक्ट बन गया, समवेयर आप उसको रिकनसाइल करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो। और ये वाला जो कार्ड आया है, ये वाला टेन ऑफ कप्स, इससे तो साफ पता लगता है कि आप फिर से अपनी एक फैमिली, अपनी पूरी सिचुएशन को फिर से एक रीस्टार्ट, रीबिगनिंग करना चाहते हो। सो एक्वेरियस, जो आपकी एनर्जीज दिख रही हैं वो मुझे पॉजिटिव दिख रही हैं। आप एक नेगेटिव जोन से या नेगेटिव थॉट प्रोसेस से रिकंसिलिएशन के बारे में बहुत अच्छे से सोच रहे हो, और आप चाहते हो कि दोबारा से चीज़ें बेटर हो जाए, सिचुएशन संभल जाए, चीज़ें एक अच्छे मोड़ पे फिर से पहुंच जाए। हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं, क्या वो भी ऐसा ही फील करते हैं। सो एक्वेरियस के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, आइए निकालते हैं दूसरे डेक से। सो एक्वेरियस राशि के पार्टनर क्या सोचते हैं, प्लीज़ बताएं डिवाइन। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड्स, तो मेरी थोड़ी वॉल्यूम आज डिप है, लो है, प्लीज़ कोऑपरेट करना। सो एक्वेरियस की क्या है पार्टनर की एनर्जीज, आइए देखते हैं। द हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और देखें एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड खुद ओपन हुआ है, सो आई विल टेक इट, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। सो एक्वेरियस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी, जो उनका जो थॉट प्रोसेस चल रहा है स्नो कॉन्टैक्ट में, वो ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर उन्होंने आपको इस तरीके से अपना बहुत हार्श एटीट्यूड दिखाया है, बहुत आपके लिए मतलब बहुत कठिन व्यवहार कहते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा बहुत
कड़क व्यवहार आपको अगर उन्होंने दिखाया है सिचुएशन में, सो समवेयर मुझे एक चीज़ जो बहुत क्लियर नज़र आ रही है वो ये कि आने वाले टाइम में उन्हें इस चीज़ की बहुत साफ क्लैरिटी होगी कि उन्हें अब आपसे बातचीत करनी ही पड़ेगी, नो मैटर कि उन्होंने इस नो कॉन्टैक्ट को कितना लंबा खींचा हो अपनी तरफ से या उसे कितना दर्दनाक बनाया हो लड़ाई झगड़े करके। जिस तरह से वो दो तरफा उनका दिमाग चल रहा था, दो तरफ से उनकी दिमाग के अंदर सिचुएशंस चल रही थी, अब वो कहीं ना कहीं एक मन बनाकर चीज़ों को संभालेंगे। और अगर वो वॉकआउट करे थे या पीछे हट गए थे चीज़ों से, सो उसके अंदर भी मुझे दिख रहा है कि ये देखिए फिर एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग करने की कोशिश करेंगे। सो जितने भी एक्वेरियस हैं उनके पार्टनर की जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो कम्युनिकेशन की दिख रही है। आगे बढ़ के वो कम्युनिकेट करना चाहेंगे, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहेंगे, एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि अगर उन्होंने अभी तक बहुत हार्श बिहेव किया है तो अब शायद अपने आप को थोड़ा सा इस तरह से दिखाएंगे आपको कि हाँ अब हम पुरानी बातों को लीव कर देते हैं, हम एक रीस्टार्ट करते हैं, रीयूनियन करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़कर संभालते हैं। सो अच्छे मैसेजेस हैं और अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे उनकी तरफ से एक्वेरियस। अगर आप बहुत होपलेस हो रहे थे, बहुत स्ट्रेस ले रहे थे, तो अब चीज़ें बेटर होती नज़र आ रही हैं। आइए देखते हैं कि क्या है डिवाइन की तरफ से, सॉरी डिवाइन नहीं, उनके लव मैसेजेस निकालते हैं इस नो कॉन्टैक्ट में। सो एक्वेरियस आपके पार्टनर के क्या है लव मैसेजेस, आइए निकालते हैं, देखते हैं इसमें क्या निकल रहा है कार्ड्स के थ्रू। सो सबसे पहला है यू एंड मी डील विद एवरी सिचुएशन वेरी वेल, मतलब बहुत अच्छे से आप हर एक चीज़ का, हर एक बात का सोल्यूशन निकाल लेते हैं आपके पार्टनर और आप मिलकर। देखिए यू लव मी, इससे बढ़िया तो कार्ड ही क्या है कि उन्हें पता है कि आपके मन में एक्वेरियस उनके लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स हैं। एंड यू नेवर गिव अप ऑन मी, यानी आप उन्हें कभी नहीं छोड़ते, चाहे आपके बीच में कितने भी उतार चढ़ाव, तकरार आए, स्ट्रगल आए, पर आप हमेशा उनके साथ देते हैं और कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते। सो ये बहुत ही तीनों मैसेजेस बहुत अच्छे आए हैं और आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी भी मिली हो। हम देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस क्या है एक्वेरियस के लिए। सो एक्वेरियस राशि के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, आइए निकालते हैं। सो क्या है एक्वेरियस के लिए डिवाइन गाइडेंस, यू आर रेडी, अब आप तैयार हैं। अगर आप पीछे कोई चीज़ करना चाह रहे थे, चीज़ों को सोच रहे थे, सो समवेयर अब आपकी जो मनोस्थिति है या जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि आपको आगे बढ़कर चीज़ों में इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगला है कॉम्प्रोमाइज़, सो देखिए कॉम्प्रोमाइज़ एंड रेडी और बैलेंस का एक टाइम आ गया है एक्वेरियस। सो अगर आप वहाँ नहीं काम कर रहे थे, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग ताकि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिले एंड देन वी हैव सक्सेस। तो इवन आप अभी भी ट्राई करेंगे, अभी भी कोशिश करेंगे चीज़ों की नॉर्मल करने की, तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, चीज़ें आपको जो जो आपने प्लान आउट करे हैं या विजन बनाया है वो उस हिसाब से आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, सो आई होप एक्वेरियस आपको क्लैरिटी मिली हो इस नो कॉन्टैक्ट में, अपने पार्टनर से लव मैसेजेस देख के सब पता चला हो। सो ये है आपकी रीडिंग फ्रेंड्स, होप आप इससे रेजोनेट कर पाएँ। रीडिंग को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है, प्लस ये वीडियो आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाती है। सो आई होप आप इसे पसंद करेंगे। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।